अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.4। इसमें दिया हमारे पास ना रेडिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन है, यानी आपका स्क्वायर रूट है, इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। जैसे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो उसको हम कह सकते हैं हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। उसके बाद टाइप नंबर 1 दिया है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसमें हमारे पास क्या होगा टाइप 1 में, क्या हमारे पास एक तरफ वो टर्म होगी जो आपकी स्केयर रूट वाली होंगी और एक तरफ वो होगी जो आपकी स्केयर रूट के अलावा होगी। इनको आप सॉल्व कैसे करना है, तो टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 5 = 7x + 16 का स्केयर रूट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद क्या है, आपने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। 2x + 5 का स्केयर = 7x + 16 के स्केयर रूट का स्केयर। अब यहां इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड 5 है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस जो फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट से मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू, अब ये जो पावर 2 है और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा आपका 7x + 16। अब ये जो पावर 2 है हमारे पास 2 की भी और x की भी है, 2 की पावर 2 होगा आपका, ये जितनी हमारे पास पावर है उतनी दफा नीचे वाले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 * 2 आपका 4 आएगा और x की 2 प्लस 5 * 5 25 आएगा, 2 2s आर 4 4 5s आर 20x 7x + 16। अब यहां आपका प्लस 7x होगा, इस तरह इक्वल की तरह आपका माइनस हो जाएगा, यहां आपका प्लस 16 यहां माइनस 16 = 0, तो अब 4x स्क्वायर आ गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि ये x वाली ये भी x वाली को हम माइनस करेंगे, ए टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है, 20 में से 7 निकाल देंगे 13x आ जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा = 0। अब यहां आपने के फैक्टर बनाने हैं कि फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई आएगा 36x का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 13x। अब आपने टू टर्म ऐसे फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 36x का स्क्वायर आए, प्लस करें या माइनस तो प्लस 13x आए, तो ये होंगे 4x और 9x, दोनों को प्लस करेंगे 13 आएगा, अब करें जरा मल्टीप्लाई 36x स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर 4x + 9x + 9 = 0, फर्स्ट टू पे कॉमन गया, यहां भी 4x है यहां भी है, 4x कॉमन आ गया इनटू x बाहर हमने मान लिया x की पावर 1 आ जाएगा इधर प्लस, अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे आपका 1 आएगा। अब इन दोनों पे कॉमन हमारे पास 9 है इनटू x + 9 * 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा = 0। अब ये और ये सेम है, इनको आपने एक दफा लिखना है 4x + 9 = 0, x + 1 = 0, 4x + 9 = 0, यहां आपका x इक्वल टू यहां प्लस 1 है इक्वल टू वहां का माइनस हो जाएगा, 4x यहां का प्लस 9 वहां का माइनस हो गया, उसके बाद 4 यहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड होगा, तो ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने देखना ये हमारे पास क्या ये दोनों जो x की वैल्यू है आपके SS का यानी कि सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है, उसके लिए आपने लिखना चेकिंग कि इनको आपने पुट करना है x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है हमारे पास 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 प्लस 16 का स्केयर रूट, कि जहां हमारे पास x है वहां आपने माइनस 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब प्लस माइनस माइनस 2 वन जार 2 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 16 का स्केयर रूट, अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 16 में 7 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का हमारे पास जो स्केयर रूट है वो 3 होगा, तो दोनों का सेम है लिखना है व्हिच इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर तो हमारे पास दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो जो हमने x की वैल्यू पुट की है वो आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। उसके बाद आप पुट करते हैं x = -9 और 4 इन इक्वेशन नंबर 2, कि जहां पे x है वहां पुट करना है -9 और 4, तो अगर 2 * -9 और 4 + 5 = 7 * -9 और 4 + 16 का स्क्वायर रूट, अब 2 1s आर 2 2s आर -9 ओवर 2 + 5 = प्लस माइनस माइनस 7 9 आर 63 ओवर 4 + 16। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा आपका, अब 2 को 2 पे डिवाइड करना आंसर का 1 1 9 का 9 आएगा -9 प्लस, अब 2 को आपने डिवाइड करना 1 से तो 1 2 का 2 2 आंसर आएगा, 2 5 का 10 आएगा इज इक्वल टू, अब इनका भी एलसीएम लेते हैं जी, 4 एलसीएम आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 63 तो आएगा -63 प्लस, अब नीचे आपका 1 होगा ठीक है, अब आपने 4 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर आएगा 4 4 16 और 64 आएगा, अब 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 ओवर 2 64 में 62 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 4 आएगा आपका। अब 1 का हमारे पास स्क्वायर रूट है 1 आता है 4 का 2 है, तो दोनों का आंसर इक्वल लिखना है व्हिच इज ट्रू, फिर लिखना है दस सॉल्यूशन सेट इज जो -1 है और -9 और 4 है जो हमने वैल्यू पुट की थी।
अगर तो आपका दोनों साइड का आंसर इक्वल ना आए तो वो आपने कह सकते हैं कि वो आपके एसएस का हिस्सा नहीं होगा, यानी आपने प्लस को लिखना है इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपका यानी कि ट्रू वैल्यू होगी आपके एक्स की। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमने एक्स की वैल्यू पुट की है तो माइनस का ना अगर ट्रू आ गया तो माइनस का ना आंसर आ गया। अगर फर्ज करें कि हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं और आपका आंसर इक्वल ना आए तो फिर आपका उसको लिखना है आपने साइड पे लिखे ना ब्रैकेट लगा के लिखना है आपने एक्सट्रेनियस, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद है 4x = 13x + 14 का स्क्वायर रूट -3। अब इसको माइनस 3 यहां ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 4x + 3 = 13x + 14 का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते इस कंप्लीट में यहां इस्तेमाल लिख दिया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 13x + 14 का स्क्वायर रूट = 4x + 3 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 13x + 14 = फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का। 13x + 14 = 16x² + 9 2 4 8 8 3 24x। अब इन टर्म को वहां शिफ्ट कर देते हैं 16x² + 9 + 24x, ये माइनस 18x हो जाएगा, ये माइनस 14 यहां आपको दिख रहा है 16x² + 24x - 13x - 24 13 निकाल देंगे 11x आएगा अब + 9 है - 14 14 - 9 निकाल देंगे -5 आएगा। अब इसको कंप्लीट करें फर्स्ट लास्ट को आएगा -80x² और दरमियान में +11x। अब टू टर्म ऐसे फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका -80x² आए प्लस करें तो +11x आती होंगी हमारे पास 16x² यानी कि 16x - 5x दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका +11x आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो -80x² आएगा -5 = 0। अब फर्स्ट में कॉमन क्या हुआ 16x है इनटू x + 1 आएगा -5 इनमें आपका x आ गया बाहर क्योंकि नेगेटिव अंदर साइन में आएगा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ये अभी सेम को वन टाइम लिखना है 16x - 5 = 0 x + 1 = 0 16x - 5 = 0 x = -1 आएगा 16x यहां को माइनस का यहां प्लस हो जाएगा 16 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो आएगा x = -1 x = 5/6। अब आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है चेकिंग के लिए। ठीक है, तो अगर तो आपका लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा तो फिर वो आपके एसएस का हिस्सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने जो 4 तक है वो घर में खुद करने हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।